सर कि हम लोग इतना दिन से भूखे मर रहे हैं, पात्रम भी चाहे पुलिस प्रशासन सरकार कुछ भी खाना खुराक हम लोग को नहीं दे रहा है। हम लोग का ये मांग है कि हम लोग गोवा से बिहार में अपने जा सकते हैं, और सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का पटना के लिए ट्रेन यहाँ से खुला जाए। हम लोग गोवा में आदमी सब लोग भूखे मर रहे हैं, और कभी काल हम लोग झोपड़ी में था तो पुलिस प्रशासन भी लाठीचार्ज कर सकता है। अब बताओ हम लोग ये क्या कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार जो हमारा बिहार का है बोलता है गोवा से कोई गाड़ी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया, सब भूखे मर रहा है, क्यों नहीं आएगा। यही तो हम नीतीश कुमार से पूछ सकते हैं। हर एक राज्य से गाड़ी जा रहा है मगर गोवा से क्यों नहीं जा रहा है। सब राज्य के सब चीज आ रहा है, यहाँ वहाँ झारखंड रांची दिल्ली हरियाणा सबसे गाड़ी खुल रहा है, गोवा से क्यों नहीं खुल रहा है। अभी आपने जो नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था वो किया आपने? हम लोग ये नाम रजिस्टर जो फॉर्म भरने का था हम लोग यहाँ गोवा के पंचायत में भरे हैं, और यहाँ का पंचायत हम लोग का जो कागजात है सब ये जमा कर दिया है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ाया है। वो उन लोगों ने क्या बोला था आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद? कब छोड़ोगे? करने के बाद बोला था कि आप लोग के बाद दो चार दिन के बाद मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आप लोग भी जा सकते हैं। तो फिर दो चार दिन क्या 10 दिन हो गया अभी तक मैसेज नहीं आया। दूसरा दिन के बात है कि दूसरा राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी जाने वाले गोवा से चले गए और हम लोग का यूपी बिहार के लिए गाड़ी गया नहीं। Okay, आपका नाम कैसा? हमारा नाम सोनू कुमार है, सोनू चौधरी है, और हम लोग बिहार से है। बिहार से यहाँ पर पूरा आदमी है, और नीतीश कुमार से हमारा बिहार से यही मांग है कि हम लोग का गोवा में पूरा बिहार का आदमी बहुत फंसे है, वो यहाँ से कैसे भी निकाले। हम लोग को खाना पानी भी कोई भी कुछ नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन सरकार कुछ भी नहीं। ये पात्रम तक हम लोग जितना कमाया था उतना सब खा चुके हैं, अब हम लोग भूखे मरेंगे। ये मांग है हमारा नीतीश कुमार से। सर यहाँ बिहार की मिक्स है, दोनों आदमी मिक्स है। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? इधर कोई सूचना ही नहीं देता है, गोवा का नाम ही नहीं समझ में कहाँ पे है, नहीं है कुछ ये नहीं है। बॉम्बे दिल्ली कर्नाटक सब जाता है, गोवा को लेता है हमारे लिए ये नहीं है। सरकार का जब तक हमें पता चलेगा वो हो गया हम आपको वो दिक्कत, इसलिए आप क्या करो, आपके जो ओनर है उनके नाम दे दो। मैं क्या बोलता हूँ साहेब, हम लोग को खाने का नहीं मांगता है लेकिन गांव जाने को मांगता है। इनको नहीं मांगता, इनको मांगता है, सबको मांगता है। एक उसमें से खाने वाला रहेगा तो जिएगा थोड़ी नहीं इतना आदमी, तो गांव कैसे जाएगा? अरे तो जाएगा ना, हम लोग 40-45 आदमी है बिहार का, आप जैसे बोलेंगे वैसे जाएगा ना। आज गए टप्पे में, कल यूपी का जा सकता है, नहीं तो बिहार का जा सकता है, ऐसा सब जाएंगे। अभी टोटल सब राजस्थान का जा सकता है, हिमाचल का वैसा है, एक एक दिन का, क्योंकि एक दिन में एक ही ट्रेन जाएगा, क्योंकि वो सबको मैनेज करने के लिए पॉसिबल नहीं है। पेज वाइज सबको लेके जाएंगे, अटैचमेंट जमा किया ना, वो प्रोसेस दो दिन के बाद घंटे में जमा हो रहा है, लेकिन जितने दिया है ना वो सबका बिहार के कितने हैं, बिहार के आपके जिले कितने हैं, वो जिले में सबको एक एक सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। करता है सर, तुम लोग गांव जाओ, जैसे मध्य प्रदेश का आज गया है वैसे बिहार का जाएगा, उत्तर प्रदेश का जाएगा। सब लोग क्या बस्ती के ही है इधर? सुनो, हाँ सब बिहार है, सब लोग बस्ती तो बस्ती के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं जाएगा। ऐसा ही गोवा में सिर्फ पेड़ने नहीं है, पूरा गोवा का जो लोग है वो एक साथ यूपी का पूरा लिस्ट हो जाएगा, यूपी का ज्यादा तो यूपी का ही है। उसमें एक ट्रेन में 1000 का कैपेसिटी था, ट्रेन में 2-3 हजार जाते हैं, लेकिन जो डिस्टेंसिंग की वजह से 50% दिया है। तो आज एमपी का 1700 लोग गया, 1700, तो कल एक ट्रेन आएगा। वैसा यूपी का भी डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, अभी तुम लोग ने जैसा दिया ना पंचायत में, वैसे पूरा गोवा में जो कितना है उसका लिस्ट बनने के बाद वो सब लोग को लेके जाएगा, यूपी में कॉन्टेक्ट करेगा। ओके, किसी को इधर नहीं रखेंगे, इधर किसी को नहीं रखेंगे। रुको रुको रुको।